Hello students, welcome to BSc online classes. Today we are going to start the next part of compound interest. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस. अब उसी का फिर से कंटिन्यूएशन है. कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये सेशन हम लोग फोकस करने जा रहे हैं. तो विदाउट डिलेइंग, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. चलो, ये पहला क्वेश्चन आज का. As you can see clearly, question already लिखा हुआ है कि a certain sum of money amounts to rupees 650 in first year and rupees 676 in second year at CI. Find the sum. देखो, बड़ा ही interesting question है, बड़ा ही interesting question है. एकदम बिल्कुल डिटेल में मत जाना, एकदम चुटकियों में ऐसे questions को बना डालो. वो कैसे, जरा समझना मेरी बातों को. चुटकियों में हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं ये जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 650 इन फर्स्ट ईयर. 650 हो जाता है पहले साल में और 676 हो जाता है दूसरे साल में. 676 हो जाता है. तो याद रखना, जब कभी भी ईयर का गैप कंसेक्यूटिव हो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रेट. हम लोग आसानी से रेट पता कर सकते हैं फटाफट. रेट क्या होगा, पहले रेट निकाल लो. तो रेट विल बी कितने का इंक्रीज हो रहा है, 26 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, मींस 26 रुपीस का इंक्रीज हो रहा है 650 से 676 में. तो 26 इंटू 100 बाय इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू किससे डिवाइड करके देख लेंगे, 650 से. तो यहां से हमें रेट मालूम चल जाएगा, 4% इज द रेट. अगर रेट पूछता ना सवाल में तो आंसर वुड हैव बीन 4%, बट सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल. अब बताओ, ये जो 650 हुआ एक साल में ना हुआ और रेट क्या था, 4%, यानी 104% को इक्वेट कर देंगे किससे, 650 से. अब हमें प्रिंसिपल निकालना है. तो मैं सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% ऑफ इट्सेल्फ. तो 100% जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट 650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 104. अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 426 टाइम्स में जा रहा है एंड 25 इंटू 25 गिव्स यू हाउ मच, 625 ना. तो दैट मच विल बी द प्रिंसिपल, दैट मच इज द सम, यही आपका धन होगा. तो आई बात समझ में, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बना डालना है. तो याद रखना, एक तरह का आप सबके सामने एक लेशन है कि जब कभी भी ईयर कंसेक्यूटिव हो, प्रथम साल, द्वितीय साल, चतुर्थ साल, पंचम, मतलब फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब कभी भी इस तरह का मामला होना, तो रेट वी कैन फाइंड आउट क्विकली, तुरंत बना सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला सवाल जरा देखिए, पढ़ो आप लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को. सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द SI एंड CI फॉर अ सम फॉर 2 years आर 500 एंड 520. इस तरह के क्वेश्चंस का एक हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया था, एक हिंट दे दिया गया था. अब आपको इसमें रेट पर एनम निकालना है. स्टार्टिंग में भी मैंने इस बारे में बता दिया था कि कल भी हम लोगों ने बातें की थी, आज पुनः बात कर ले रहा हूं क्योंकि दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी लोगों के लिए. तो 2 साल का अगर SI 500 हो तो एवरी ईयर यू विल गेट 250, यही ना कहा था. हर एक साल कितना मिलेगा, 250 मिलेगा, राइट. 2 साल का मामला है तो हर एक साल ये 250 में ब्रेक होगा SI. बट वॉट अबाउट CI कैसे ब्रेक होगा, जरा चेक करो. पहले साल अगर SI 250 है तो CI भी 250 ही होगा. अगेन 250 प्लस 20 ना, तब ना इन पूरे की एंटायर वैल्यू 520, इट इज गिवन ना 520. तो 250 प्लस 20, यहां से अपन लोग रेट पता कर लेंगे, 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 250. तो दैट मच विल बी योर आंसर, यही आंसर हो जाएगा बॉस. तो योर आंसर इज 8% इन दैट केस. तो रेट क्या हो जाएगा, 8% विल बी द रेट. अब कभी मत भूलना ऐसे क्वेश्चंस को बनाना.
यहां 250 तो इधर भी 250 ही एंट्री होगी, इधर 250 तो इधर 250 तो होगी होगी, लेकिन 250 तो वी आर फाइंडिंग ओनली 500, बट सिंस सीआई इज गिवन हाउ मच 20, तो 20 प्लस 20 कर देंगे तो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द रेट, 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 250, वही रेट होगा हमारा ओरिजिनल. तो दिस इज द वे टू आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो प्लीज फॉलो दिस. अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आ रहा, हाँ जरा देखिए एंजॉय कीजिए ऐसे क्वेश्चन. पढ़ो, ऑन अ सर्टेन सम सीआई फॉर टू इयर्स इज 282.15 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 270, इफ द रेट इज सेम कैलकुलेट इट. सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, चलो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम टू सॉल्व दिस. मैं आप सबको 10 सेकेंड का वक्त देता हूं, अभी तुरंत बताया है, जरा एक बार आप अपने से बना के फटाफट कमेंट करो. टाइम इज अप. देखो अभी थोड़ी देर पहले, अभी इसके जस्ट पीछे बताया मैंने कि एसआई है हमारा कितना 270, तो 135 में कैन वी ब्रेक 135, ठीक है. एसआई ब्रेक होगा 135 में, सीआई कैसे ब्रेक होगा 135, फिर 135 270 प्लस 12.15, क्योंकि 282.15 वाज सीआई ना, 282.15 रुपए क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो 135 प्लस 12.15, व्हेन यू ऐड ऑल दिस ना यू विल गेट 282.15. अब यहां से हमें रेट मिल जाएगा कि 12.15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 135, तो 12.15 डिवाइडेड बाय 135 इनटू 100, तो ये हमारा रेट आ जाएगा 9% इज द रेट, 9% आपका रेट होगा. तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर क्विकली. अब तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप सब बच्चे, कि बिल्कुल मत भूलना, इसी अंदाज से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना, टैकल करना. ओके राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब थोड़ा सा पैटर्न में तब्दीली आया है, बदलाव आया है, चेंज हुआ है क्वेश्चन का मूड. अब जरा देखते हैं फटाफट कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस अंदाज से सॉल्व करेंगे. पहले मैं इसका डिटेल आपको बताता हूं, उसके बाद शॉर्टकट. कह रहा है ना, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 4500 इन टू ईयर्स एंड 6750 इन फोर ईयर्स यू हैव विथ सीआई, फाइंड द सम. कोई धन सीआई से दो वर्ष के बाद 4500 रुपए और चार वर्ष के बाद 6750 रुपए हो जाता है. मीन्स दिस इज अमाउंट. ये क्या है? अमाउंट है. तो अगर हम लोग डिटेल से इसको सॉल्व करते, डिटेल वाला फॉर्मूला लगा के बाय कंसेप्ट, तो कैसे सॉल्व होता अमाउंट का? हम लोग क्या फॉर्मूला, वी ऑल नो अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100 to the power n ना. तो पी हमारा मिसिंग है, ठीक है, यही ना फॉर्मूला लगाते, पी इंटू 1 + R/100 to the power n इन प्लेस ऑफ अमाउंट. यहां क्या फिट पुट करते, 4500, प्रिंसिपल इज मिसिंग एज वेल एज रेट इज ऑल्सो मिसिंग. रेट भी ना मिसिंग है, पावर क्या डालते 2, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता. नाउ नेक्स्ट क्या होता, कह रहा है कि चार वर्ष के बाद 6750 हो जाता है, तो 6750 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 4 होता, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होता, ठीक है. अब हम लोग क्या करते, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते, ठीक है. तो ये बड़ा ही लेंदी जाता आपका सॉल्यूशन, लेकिन इसका शॉर्टकट मैं तुरंत बताने वाला हूं, जस्ट वेट, थोड़ी देर के लिए वेट कर लो. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते तो क्या आता हमारा रिजल्ट, 6750 डिवाइडेड बाई 4500 इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द पावर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता ना.
ये हमारा थर्ड इक्वेशन अगर रिज्यूम कर लें, अब ये थर्ड का वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वी कैन फाइंड आउट कैलकुलेट प्रिंसिपल, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल को, ये थर्ड वाला वन में पुट कर देंगे क्योंकि ये इसकी वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंड हाउ मच 6750 डिवाइडेड बाई 4500। ओके, लेकिन इतना वक्त किसी के पास नहीं एग्जाम में, हाउ टू सॉल्व इट क्विकली दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसको क्विकली कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अब मैं सारा कुछ फिर से मिटा दिया और अब इसका क्विकर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन का जो ट्रिक है या क्विकर कह सकते हो, जब कभी भी सम पूछे ना तो a1 इंटू a1 वही चीज से आया अपॉन a2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी a1 इंटू a1 अपॉन a2। बोलोगे a1 स्टैंड्स फॉर व्हाट सर, जो पहला अमाउंट है वही a1 है, यानी 4500 इंटू 4500 डिवाइडेड बाय a2, a2 इज हाउ मच 6750। ओके, बराबर प्रिंसिपल ना, बस हो गया, सॉल्व कर लो, आफ्टर कैंसलिंग ऑल दीज यू विल गेट 3000, सारे को कैंसिल करने पे 3000 आपको प्राप्त होगा। ओके, 3000 इज द प्रिंसिपल, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का ट्रिक वहां वहां एप्लीकेबल होगा जब ईयर डबल हो, 2 years, 3, 4 years, 3 years, 6 years, 9 years, 18 years, 11 years, 22 years, वहां वहां ही फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होगा, हर जगह मत अप्लाई कर देना और हर जगह हो भी नहीं पाएगा आंसरिंग, क्योंकि A1 वो पावर जब हम डिवाइड करेंगे तो वही पावर लेफ्ट हो जाना चाहिए जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सके। ओके, तो हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे और अक्सर देखे जाएंगे, आप भी पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, और वहां वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे ईयर्स डबल हो, 2 years, 4 years है, 3 years और 6 years होता वहां भी ये एप्लीकेबल होता। तो माइंड यू, ध्यान रखना, A1 into A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप। देखिए कह रहा है अगले सवाल में, पहले आप लोग पढ़ो बच्चों फटाफट। पढ़ लिया, चलो अब मैं पढ़ देता हूं। अ सम ऑन CI अमाउंट्स टू 2400 इन 3 years एंड 2520 इन 4 years, फाइंड द रेट। अभी मैंने समझाया था, जब कभी भी ईयर कंसेक्यूटिव हो, जब कभी भी ईयर कंसेक्यूटिव हो, जैसे 3 years है और 4 years है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेट विद इन सेकेंड, सेकेंड में हम लोग रेट पता कर सकते हैं। वेन एवर द नंबर ऑफ ईयर इज कंसेक्यूटिव, क्रमागत हो, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 11 साल, जब कभी भी ऐसा हो ना, रेट हम लोग चुटकियों में पता कर सकते हैं, CI का रेट याद रहेगा। तो चलो देखो, तो 2400 है यहां और यहां 2520 है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 120 का, तो डायरेक्ट रेट हमारा निकल जाना चाहिए 120 into 100। इनिशियल वैल्यू क्या था, 2400 था, हमेशा यही टेक्निक अप्लाई करना, दैट मींस रेट इज हाउ मच 5% इज द रेट, 5% रेट हो जाएगा वो CI का रेट। मींस व्हिच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, कौन सा ऑप्शन आपको एब्सोल्युटली सही नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट चॉइस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उड़ाना आज के बाद, ठीक है। ये 120 कहां से आया, एक्चुअली 2400 से 2520 ना रुपीस बढ़ गया, यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 120 का। तो 120 इनटू 100 इसलिए किए ताकि हम लोग परसेंटेज का सिंबल इंसर्ट कर सकें और जो भी इनिशियल वैल्यू होगा ना, पिछला मान, उसी से कंपेयर करेंगे, वही हमारा रेट पता दे देगा कि रेट कितना रहा होगा। तो 5% इज डेफिनेटली द रेट, इस तरह से बनाना है डियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं, ये कभी ना कभी आपको मदद पहुंचाएगा, ऐसे क्वेश्चंस। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क है ये, ठीक है। अभी मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये उसी फॉर्मूला पे बनाना, A1 into A1 by A2 पे बनाना,
ए वन यहाँ पे कौन सा है 6690, ए टू कौन सा है 10035, और देख रहो 3 साल 6 साल हो गया ना, डबल हो रहा है ना, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ए वन इंटू ए वन डिवाइडेड बाय ए टू, ये आपको क्या दे देगा प्रिंसिपल, बस इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लेना। तो होमवर्क ये रहा भी नहीं, ये तो क्लास वर्क ही हो गया, अब बस बाकी आप लोग ऑपरेशन करके आंसरिंग कर बैठना इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या करना है, कह रहा है ना अ सम प्लेस्ड एट CI डबल्स इटसेल्फ इन 6 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट अमाउंट्स टू 8 times इटसेल्फ। अगर इसमें कंसेप्ट से बनाओगे तो बड़ा ही अगेन फिर से लेंथी जाएगा इसका सॉल्यूशन, डिटेल में अगर सॉल्व करना चाहोगे तो डिटेल में, कि कह रहा है ना कि कोई धन CI से 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, हो जाती मींस अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे ऑल द टाइम ऑलवेज, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फिर से अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2p अमाउंट इज 2p इक्वल्स टू p इंटू 1+R/100 टू द पावर कितना, कितने सालों में, 6 साल है ना, तो n के जगह क्या दे देंगे 6। ओके ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा अगर डिटेल को फॉलो करेंगे तो 8 times होने में, 8 times होने में, यानी पीपी तो यहां से कैंसिल कर लो, यानी 1+R/100 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2 भी कह सकते हैं। नाउ 8p होने में कितना टाइम लगेगा, 8p 8 times कह रहा है 8p, तो नाउ 8p होने में कितना समय लगेगा ये आपको पता करना है 8p होने में, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो नाउ 8p होने में कितना टाइम लगेगा, 8p 8 गुना 8p 1+R/100 टू द पावर n, ना n इज मिसिंग ना, तो pp कैंसिल, अब 8 को हम लोग 2³ लिख सकते हैं, 2³ 1+R/100 टू द पावर n लिख लिया ना, अब बोलो 2 के बदले वो पुट कर दिया 1+R/100 का पावर 6, तो 1+R/100 का पावर 6 आपका पुट हो गया और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 3 = 18 ना, 1+R/100 टू द पावर n, तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि वेन एवर बेस इज कॉमन तो ये 6 × 18 ना इंटू ना हो जाएगा, 18 साल लग जाएंगे क्या गुना होने में, 8 गुना होने में। तो बताओ इस तरह का अगर हम लोग अप्रोच लगाएं तो हमारे लिए बेहतर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस ऐसे मैंने रफ करके आपको बस समझाया कि देखो कि ट्रिक लेने से पहले डिटेल पहले देख लो, ताकि आपके स्कूल के दिनों की बात याद आ जाए। स्कूल में हम लोग ऐसे ही करते थे, कॉपियां भरते थे, यहां पे कॉपियां नहीं भरना है, यहां पे वक्त कम लगाना है, 1 सेकेंड में कैसे आंसर कर बैठेंगे ये हम लोग सीखने को आए हैं एकेडमी में। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, बातें वही होंगी सेम होंगी लेकिन फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये जरा इंपॉर्टेंट है देखना। अब देखो हाईलाइट करके मैं लिख दे रहा हूं, 2 times होने में कितना साल लग रहा है, 2 times होने में 6 years ना, 2 times होने में 6 years लिखा हुआ है 6 साल, तो 8 times होने में 8, अब बोलो 8 को हम लोग 2³ भी लिख सकते हैं ना, 2³ times, तो जो भी यहां पावर आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना 6 × 3, यानी 6 × 3 कितना साल हो गया, 18 साल आ गया ना, तो दैट मच इज योर आंसर। मैंने क्या कहा कि 2 times होने में 6 years, तो 8 times, 8 को हम लोग 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3, 2³ = 8, और जो भी पावर में है 3 है ना यहां, उसी से मल्टीप्लाई कर देना प्रीवियस ईयर में, तो 6 × 3 = 18। तो CI का ये फीचर है, ये विशेषता है कि 2 गुना होगा तो फिर 4 गुना हो सकता है, फिर 8 गुना हो सकता है, फिर 16 गुना हो सकता है, फिर 32 गुना हो सकता है, फिर 64 गुना हो सकता है, फिर 128 गुना हो सकता है, फिर 256 गुना हो सकता है, फिर 512 गुना हो सकता है, फिर 1024 गुना हो सकता है, ऐसे चल सकता
चलेगा, कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्योमेट्रिक वे में चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, है ना। रेशियो कॉमन होगा। कभी ये उम्मीद मत करना सर दुगुना हो रहा है क्या, सात गुना हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। दो गुना के बाद सीधे वो पहुंचेगा आठ गुना पे, आठ गुना के बाद सीधे पहुंचेगा सोलह गुना पे। ये सीआई का विशेषता है, फीचर है, एकदम ध्यान रखना। हाँ एसआई में ये पॉसिबल है लेकिन सीआई में नहीं। ओके, तो यही मैंने कहा। अगर मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दूं बनाने को, क्या बना लोगे बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको बनाने के लिए, राइट। अगला सवाल, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करें। मैं फिर से बताऊंगा लेकिन कुछ बच्चे आंसर करना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलो बनाओ। कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सीआई डबल्स इटसेल्फ इन 15 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट अमाउंट्स टू 8 टाइम्स। सिर्फ ईयर का फर्क है, जो पिछले बार में गुना हुआ था वही गुना इस बार भी हो रहा है। अब तो सब लोग बना ही लिए होंगे। चलो एक बार फिर से देख लो। देखो मैं ट्रिक से क्या कह रहा हूं कि 2 टाइम्स होने में कितना साल लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 15 साल। ये तो दिया हुआ है ना, गिवन है ना, आराम से समझो स्लो मोशन में। 2 टाइम्स होने में 15 इयर्स, तो 8 टाइम्स, 8 को अभी मैंने क्या लिखा था, 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी ना लिख सकते हैं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां जो पावर आएगा ना उसी से 15 में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रीवियस 15 साल था, तो 15 गुना 3 कितना हो गया, 45 इयर्स, कभी मत भूलना। आंसर 45 साल लग जाएंगे, यानी विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का उत्तर रहा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज वन हु रिकॉग्नाइजेस द प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स एन इमरजेंसी। याद रखना, लीडरशिप क्वालिटी किसको कहते हैं? हर सब में लीडरशिप क्वालिटी है, जो कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका निपटारा कर ले उसी में लीडरशिप क्वालिटी कहलाता है, वही लीडरशिप। सब में है वो बात, लेकिन कुछ लोग ना प्रॉब्लम देखते ही घबरा बैठते हैं, घबरा जाते हैं, दूसरे पे थोप देते हैं। नहीं, प्रॉब्लम का सामना खुद से करो, सीखो कहीं और से, लेकिन आपको एग्जाम खुद से देना है। इसलिए अपने एबिलिटी पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि एक ना एक दिन आप ऑफिसर बन के जरूर दिखाओगे। चलो इसी उम्मीद के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे आपका नजर, आपको आपका कंसंट्रेशन चाहता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपका ध्यान क्वेश्चन पे। अब अ सम इज इन्वेस्टेड एट सीआई पेबल एनुअली, द इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव इयर्स वाज 900 and 981, फाइंड द सम। मैं बार बार कह रहा हूं आज का सेशन इसी पर आधारित है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस पे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बनाना स्टार्ट कर दिए तो आने वाला जो बिग बिग क्वेश्चन होगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो आप चुटकियों में फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, जो मेंस लेवल का आने वाला सवाल होगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन पीटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूं, आपको निश्चिंत करा दे रहा हूं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि दो सक्सेसिव ईयर्स जब भी रहे, तो मैंने क्या कहा था, रेट निकालना चुटकियों भरा काम, रेट निकालना आपका चुटकियों भरा काम। कैसे? रेट निकालो, आर विल बी हाउ मच, कितने का ग्रोथ हुआ, 81 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 900 ना, इनिशियल वैल्यू ना। क्या मैंने कहा था, वृद्धि कितने की हुई, 81 रुपए की, तो 81 गुना 100 बटा इनिशियल वैल्यू इज कितना, 900। बस यहां से रेट निकल गया डियर, 9% ना, 9% ना रेट निकला। अब बताओ 9% अगर रेट निकला और यहां पे कितना दिया हुआ है, 900, तो 9% बराबर 900, ठीक है, द इंटरेस्ट है ना, तो 9% बराबर 900, तो कोई भी धन कितना परसेंट होगा, 100% ना, तो 100% विल बी योर आंसर, 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, विच मीन्स 10,000 इज द सम, 10,000 इज द सम। वह धन क्या होगा, 10,000 का रहा होगा धन। बस 9% निकाल के किससे इक्वेट कर देंगे, 900 से, बिकॉज 900 इज इंटरेस्ट नॉट एन अमाउंट। अगर वो अमाउंट होता ना तो 109% से इक्वेट कर बैठते, लेकिन 900 हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, इससे 9% को इक्वेट कर देंगे किससे, 900 से, तो 100% विल बी 10,000 होगा उस सवाल का उत्तर, आंसर।
ओके चलो वेयर इज द ऑप्शन 10,000, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके तो इस अंदाज से आप बनाना डियर, इस सबको फिर से प्रैक्टिस कर लेना. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. हाँ यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन हम लोग फटाफट रेशियो से बना सकते हैं, देखेंगे अभी हम लोग तुरंत. कह रहा ना सॉरी चलिए रीडेबल है, मैंने थोड़ा स्पेस ले लिया ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को आपके सामने रख सकूं. चलिए अब जरा पढ़िए. रुपीज 3903 इज डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन अ वे दैट आफ्टर 7 years ए शेयर इक्वल टू बी शेयर आफ्टर 9 years एट 4% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फाइंड ए शेयर. कहा जा रहा है कि 3,903 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित करें कि 4% के सीआई की दर पर 7 वर्षों के बाद ए का हिस्सा 9 वर्षों के बाद बी के हिस्से के बराबर हो सके. बराबर हो सके हिस्सा मतलब मिश्र धन अमाउंट. तो बताओ अब अगर इसको हम लोग फटाफट रेशियो से अगर बनाना चाहें तो ए का हिस्सा 1+4/100. ए का हिस्सा कितने वर्षों के बाद क्या लिखा हुआ है, कितने वर्षों के बाद 7 वर्षों के बाद, तो एन के जगह क्या पुट कर देंगे, वी कैन पुट 7. बी का हिस्सा मान लेते हैं बी है 1+4/100 ही है, रेट इज इक्वल ना, और पावर लेकिन 9 हो जाएगा 9 साल बाद. बोलता है कि दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए, बराबर कर दिए ना. अब जरा मुझे ये बताओ अगर मैं इसको काटना चाहूंगा तो यहां पे पावर 2 ही ना बचेगा क्योंकि 7 तो डिवाइड होके माइनस हो जाएगा तो 9-7 2. अब बोलिए यहां से हमें रेशियो मिल गया ए टू बी का, ए बाय बी का कैसे रेशियो मिलेगा, यहां भी काट लो 25+1 26/25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625. अब बोलिए बंटवारा हो जाएगा किसका हिस्सा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा डियर 676/1301. इनका सम नीचे ना लिखते हैं इनटू 3903, इसको कैंसिल कर लो, 3 times में कैंसिल हो रहा है. 676 into 3 676 × 3 670 × 3 20, 210 और 18 2028 ना 2028 इज द रियल आंसर. 2028 इस सवाल का आंसर हो जाएगा. ओके 2028. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए. ओके ए का हिस्सा ए मान लिए, बी का हिस्सा बी मान लिए, बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से दोनों का हिस्सा बराबर हो सके, इसका 7 साल में उसका 9 साल में, तो बराबर कर दिया, हो गया आंसर. तो ए को कितना धन प्राप्त होगा 2028. चलिए समझ में जरूर आ गया होगा. अगला सवाल. हाँ ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए. बड़े क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन ध्यान से देखोगे तो बड़ा ही आसान लगेगा ऐसे क्वेश्चन. ओके चलिए कह रहा है ना कि 1,33,100 रुपया मूल्य का एक भवन और 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो, घट रहा हो. बनाइए, एंजॉय कीजिए. अ होम विच कॉस्ट रुपीज 1,33,100 इज बिल्ड ऑन अ प्लॉट ऑफ रुपीज 72,900 आफ्टर हाउ मेनी इयर्स प्राइस ऑफ देम विल बी सेम इफ प्राइस ऑफ प्लॉट इज इंक्रीजिंग बाय 10% पर ईयर एंड ऑफ होम डिक्रीजिंग बाय 10% पर ईयर. यानी जमीन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है जबकि भवन का मूल्य में 10% का डिप्रिशिएशन हो रहा है. डिप्रिशिएशन
जब डिप्रिशिएशन की बात होगी तो फॉर्मूला में माइनस लग जाएगा, एप्रिशिएशन की बात होती है तो प्लस लगता है। देखो कैसे बना सकते हैं एक सेकेंड में। होम का कॉस्ट कितना है, 1,33,100, तो यहां लिखिए 1,33,100। चलो 1,33,100 है। अब देखिए भवन का मूल्य, ये भवन का मूल्य में कितने परसेंट की गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है तो यहां प्लस लगेगा या माइनस, माइनस। कितना परसेंट से हो रहा है, 10% से, तो 10/100। कितने वर्ष, यही तो नहीं दिया हुआ है, तो यहां क्या ले लेंगे, n इक्वल्स टू, बराबर कहने की बात कर रहा है तो इक्वल का साइन देंगे, 72,900। अब इसका एप्रिशिएशन ना हो रहा है, प्लॉट का दाम बढ़ रहा है ना, तो यहां प्लस लग जाएगा, और रेट कितना है, 10% है, तो 10/100। एन नहीं दिया हुआ है तो यहां एन ले लेंगे, ठीक है। अब बोलो, अब बच्चे सॉल्व हो जाएगा, 00,00 कट कर दो। अब बताओ यहां भी ये कट ही कर दो, ये कट ही कर दो, ये सब कट कर दिया, 1331/729 है, 1331 डिवाइड कर देंगे इधर, 729 को इधर ले आएंगे, इधर जब लाओगे ये वाला पोर्शन तो 11/9 बचेगा पावर एन। अब बताइए ये 1331/729 किसी का क्यूब होता है क्या, 11 का क्यूब ना, और 9 का क्यूब इज ऑल्सो 729, तो 11/9 का क्यूब लिख सकते हैं, 1331 डिवाइडेड बाई 729 को इक्वल्स टू 11/9 टू द पावर एन ना, तो एन की वैल्यू, एन बेस इज सेम देन पावर ऑल्सो गेट सेम, तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 साल ना, तो 3 साल में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये अप्रोच से आप बना सकते हो फटाफट, यही होगा। बस ये चीजें आपको पहला वाला लाइन ज्यादा ध्यान से देखना, बाकी तो कैलकुलेशन, आज के बच्चे इतने तेज होते हैं कैलकुलेशन खुद के दम पे भी कर बैठते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि एन की वैल्यू कितने होगी, 3 साल होगी, यानी कितने साल बाद दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, 3 साल बाद। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए, तो याद रखना, ओके। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अब आना शुरू हो चुका है, आने वाले सेशन में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सब बच्चे के लिए लेके आऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते, हाँ देखो ये भी चुटकियों में उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000, इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 10% पर ईयर देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक वृद्धि की दर से वृद्धि होती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया हुआ है, 1,80,000 तो दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल यही मान लो प्रिंसिपल है, वही प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब बोलो 10% की वृद्धि होगी, ये तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन लगता है, तो 110/100, 11/10 भी लिख सकते हैं, 2 साल की बात हो रही थी, 11/10 दो बार कर दी, हो गया आंसर, बस इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 00 से यहां 20 कट गया। अब बोलो 18 × 121 कर देंगे, भाई 1800 × 121, 1800 × 121, 11 का स्क्वायर। अब 1800 × 121 जो करेंगे, बस आंसर आपके सामने रहा, तो 121 × 18 कर लो, 1800 × 121 कर लो, 1 × 1 × 18 = 8 × 16 = 9 × 1 = 2 × 1 = 8 × 7 = 2 × 2 = 178, तो 2178 00 ना, 2178 00 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को। तो बस मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एक सेकंड में। 3 साल की बात होती तो 11/10 × 11/10 × 11/10 किए होते 3 बार, ठीक है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, वही अमाउंट का फॉर्मूला ही आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि वही लगाया सर जी आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो बनाइए,
कह रहा है श्री एक्स इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 2 years एट 15% SI. इफ इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड ही वुड हैव गॉट 450 rupees मोर. कह रहा है ना श्री एक्स ने एक धनराशि का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया. यदि ब्याज की दर वाकई ब्याज की दर CI होती तो उन्हें ब्याज के रूप में 450 rupees अधिक मिलते. निवेश की गई राशि क्या थी? बिल्कुल एक लाइन में बना लोगे. देखो क्या मैंने कहा था कि 15% के रेट से 2 साल का SI हो जाएगा 30%. ऐसे समझो एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं 2 साल का SI कितना हो जाएगा 30%. 15 × 30 2 साल की बात हो रही है. 2 years का SI फॉर हाउ लॉन्ग 2 years. 2 साल का SI हो जाएगा 30%. एट द रेट ऑफ 15% पर एनम CI क्या हो जाएगा 2 साल का 32.25. 2 साल का CI क्या हो जाएगा 32.25%. नहीं समझ में आया? देखो फिर से देखो. मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर में ठीक है ये कहने की कोशिश किया था कि SI अगर निकालना हो तो बेहद आसान होता है. CI में क्या है जो बैक ईयर में इंटरेस्ट लग होता है ना उस पर भी उतना रेट लगता है. जैसे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं जैसे SI जो है हर एक साल 15-15 मिलेगा. ये सोच लो रफ कर रहा हूं आप सबके लिए ऐसे बच्चों को याद होगा तो फिर से दोबारा मैं बता रहा हूं 2 साल में 15-15 मिलेगा 15-15 30%. CI कितना मिलेगा 15 प्लस 15 × 15/100. अब बोलिए अधिक तो यही ना मिला ये पोर्शन ना अधिक मिला. ये तो इतना तो था ही तो ये तो कैंसिल हो गया. इतना ही ना अधिक मिला यानी 225/100. तो 225/100 अधिक मिला लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक मिल रहा है 450. तो 225/100 इक्वल्स टू 450. तो देयर फोर प्रिंसिपल इज 100% ना 100 ना. प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100 होता है. तो यहां से पहले ये कैंसिल कर लो तो 200 × 100 200 × 100 मीन्स 20,000 ना प्रिंसिपल रहा होगा. तो 20,000 विल मस्ट हैव बीन द सम. 20,000 ही धन रहा होगा. तो वह धन क्या रहा होगा निवेश की गई राशि 20,000 जो कि नन ऑफ दीज में है. तो इस अंदाज से बना लेना. अगर आपको याद होगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 2 साल का CI होता है 32.25. SI हो जाएगा 30% लेकिन CI हो जाएगा 32.25. वहां से भी 2.25% करके भी इक्वेट कर सकते हो वही चीज को 450 को. तो ऐसे बनाना है ऐसे सोचना है. चलिए आज का अंतिम सवाल अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं. ठीक है आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए. कह रहा है कि रुद्रा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 20% SI. इफ इंटरेस्ट हैज बीन कंपाउंडेड देन ही वुड हैव गॉट. अभी बताया तुरंत तुरंत. चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो गया आप सबका इसी बहाने. जरा देख लेते हैं इसी बहाने एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हो गया कि अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे हाथ से आप लोगों के हाथ से जाने नहीं चाहिए. अगर वह CI पे लगाया होता तो उसको कितना अधिक मिलता 720 rupees अधिक मिलता. SI पे लगाएगा तो 40% मिलेगा. CI पे लगेगा तो 44% मिलेगा यानी कितना अधिक मिलेगा 4%. तो डायरेक्ट कर दो 4% इक्वल्स टू 720. 4% इक्वल्स टू ना 720. 4% ना अधिक मिलेगा अगर CI पे होगा तो. अभी रफ करके भी बता दिया तो 4% ज्यादा होगा 4% किधर CI की तरफ. SI होगा 40 CI होगा 44 यानी 4% ज्यादा. लेकिन यहां कह रहा 720 rupees ज्यादा तो 4% को इक्वेट कर देंगे किससे 720 से. कोई भी धन कितना परसेंट 100% ना. तो 100% विल बी हाउ मच. तो 720 × 100 डिवाइडेड बाय 4 18,000 हो जाएगा इस सवाल का आंसर. 18,000 काट दूं क्या 180 × 100 18,000. वेयर इज दैट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलो आने वाले सेशन में इसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे. आज के लिए इतना ही था और उम्मीद करूं कि इससे जहां जहां क्वेश्चन आपको मिले इस ढंग का इस अंदाज का
तो आप डेफिनेटली अब आप कामयाब हो गए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस एक दो तीन बार इसको जरूर देख लेना कैसे कैसे बताया गया टेक्निक से ट्रिक से, बिना ज़्यादा फॉर्मूला पर डिपेंड हुए आप टेक्निक से बना सकते हो, लॉजिकली बना सकते हो। तब आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।